हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और आज है मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे। तो बस अभी रात के बज गए हैं 12 और हम लोग जो है केक कटिंग करने जा रहे हैं। सब लोग वेट कर रहे थे रात के 12 बजने का, तो बस 12 बज चुका है। तो ये है हमारा केक, ये सरप्राइज केक था। तो ये है वो सरप्राइज बर्थडे केक और फिर जो है केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ है। बिल्कुल अंधेरा, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी आंधी आ रही है और लाइट भी चली गई है। और हम लोगों का यहाँ पर हो रहा है केक कटिंग का प्रोग्राम और ये सिद्धि ने बनाया है चाचू के लिए कार्ड। ये कार्ड नहीं था, ये कार्ड नहीं थी की तरफ से बनाई ये कार्ड जो सिद्धि ने बनाया है। तो फाइनली हमारे यहाँ आ गई है लाइट और अब लाइट के आने के बाद थोड़ा ज्यादा उजाले में करेंगे हम लोग केक कटिंग का काम। जब हम लोगों ने केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू किया ना तो सडनली चली गई लाइट और फिर जो है हम लोगों ने सोचा कि लाइट आ जाए तो थोड़ा और ज़्यादा लाइट में हम लोग केक कटिंग का प्रोग्राम करें। तो फिर ना थोड़ी देर रुकने के बाद लाइट आ गई थी, ऐसा नहीं था कि हम लोगों को जो है थोड़ा कम लाइट में करना पड़ा। और ये देखो रिद्धि जो है वो आधी नींद में है आधी जग रही है, बाकी बच्चों ने मिलकर के अपने चाचू के साथ केक कट किया रात के 12 बजे तक। बच्चे भी वेट कर रहे थे, मतलब कि सरप्राइज था कि ये रात में ऐसा फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन क्या, ये केक कटिंग का प्रोग्राम होगा। अच्छा, और हमारे यहाँ जून में ना बैक टू बैक जो है बर्थडे पड़ता है, चाचू का पड़ता है, चाचू के नेक्स्ट डे भतीजे का पड़ता है यानी कि राघव को। तो आपको ना हमारे व्लॉग्स जो है, मतलब दो दिन आपको बर्थडे व्लॉग ही देखने को मिलेगा क्योंकि एक दिन है चाचू का बर्थडे व्लॉग और दूसरे दिन है राघव का बर्थडे व्लॉग। तो राघव का बर्थडे व्लॉग भी ना देखना, मतलब मिस मत करिएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बस यहाँ पर केक कट हो गया था और हम लोगों ने ना सबने मिलकर के केक खाया रात में ही, खावा के ख़त्म किया और थोड़ा बहुत जो है हम लोगों ने बातें की, मस्ती वस्ती की। अच्छा, ऐसे कोई भी फंक्शन हो गया, चाहे बर्थडे पार्टी हो गई या फिर कोई भी फेस्टिवल हो गया, कुछ भी हो गया, अकेले अकेले में उतना मज़ा नहीं आता। हम लोगों का रिजर्वेशन बहुत पहले था, जून में ही समर वेकेशंस खत्म होने लगे थे। हमारी लाडो की तरफ से ना आप सभी को सुबह की राम राम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, मतलब सुबह के टाइम आपसे मिल रही हूँ। और फिर बर्थडे का तो वो चल ही रहा है, तो हम लोगों ने ना मॉर्निंग में झटपट बनाए टेस्टी से ना चीज़ी समोसे। जिफरानी मेरी बना रही थी और मतलब हम फिलिंग का काम कर रहे थे और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है ना, लेकिन नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट करना है हम लोगों को, खाना अच्छी अच्छी चीज़ें खाना है, फिर गर्मी चाहे जितनी पड़ती रहे, क्योंकि यही वो मौका होता है ना जब हम सब इकट्ठा होते हैं। तो आज बर्थडे के दिन बैक टू बैक कुछ ना कुछ बनाई जा रही है। आज बनाया है लंच में बहुत ही स्पेशल चीज़ है, यहाँ पे बनाया है मस्त फ्राइड राइस और ये है मीठी सिवई मशरूम की, मलाई मशरूम बना हुआ है ये। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा, बहुत ही यम्मी सा लंच बनकर के आज तैयार हुआ है। बस चलते हैं हम लोग लंच करते हैं। तो ये हमारा पूरा ना दोपहर का मेन्यू है, एकदम बटर मशरूम बना है, सिवई बनी है, फ्राइड राइस बना है, बस इतना ही है। बड़ा सा टेम्पटिंग सा है और परिवार के साथ तो ना सादा खाना भी बड़ा ही मस्त लगता है। खाने पीने के बाद हम लोग थोड़ी सी बातें किए, थोड़ा सा यहाँ पर हंसी मजाक था क्योंकि देवर कपड़े नहीं पहने थे, मैंने कहा आज बर्थडे के दिन बेचारे के पास कपड़े खत्म हो गए। शाम के टाइम हम लोगों ने पी मस्त चाय परिवार के साथ और चाय पे चर्चा। अगर आपके परिवार में चाय पे चर्चा नहीं हो रही है ना तो मतलब आपकी चाय पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसका मजा नहीं निकल पा रहा है। और साथ में टीवी पे चल रहा था मैच जिसे देखते हुए हम सभी लोगों ने अपनी चाय को एंजॉय किया और फिर बस यही डिनर का टाइम, फुल डे हम लोगों का ना बर्थडे इंजॉय हो रहा था। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था बट वो कैंसिल हो गया, फिर बनाया मैंगो शेक और इस तरह से आज का एक बर्थडे व्लॉग खत्म हुआ। तो आज का व्लॉग इतना ही, नेक्स्ट डे के लिए आप जरूर प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट डे का व्लॉग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट।